शारदीय नवरात्रि शुरू होने में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में नवरात्रि पंचांग के अनुसार साल में चार बार होती है, जिसमें एक चैत्र नवरात्रि, दो गुप्त नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि शामिल है। इस साल शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू हो रही है, वहीं इस दिन सोमवार है, जिसका संबंध माँ दुर्गा से ही माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है। माँ दुर्गा को समर्पित नवरात्रि के त्योहार का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कैसे स्थापित किया जाता है कलश। जानिए इस साल माता क्या दे रही हैं संकेत। नवरात्रि में माता के नौ रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही प्रतिपदा तिथि को पूजन करके ईशान कोण में घट स्थापित किया जाता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार इस साल माँ दुर्गा हाथी की सवारी पर पृथ्वीलोक पर पधार रही हैं। आपको बता दें कि जिस दिन नवरात्रि का प्रारंभ होता है उस दिन के अनुसार माता अपने वाहन पर सवार होकर आती हैं, जो अपने भक्तों को एक विशेष संकेत भी देती हैं। इस साल हाथी पर सवार होकर आ रही माता का मतलब है कि इस साल बारिश अच्छी होगी, जिसके प्रभाव से फसल होगी, किसानों को लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? ज्योतिष पंचांग के अनुसार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से सुबह 7:52 तक का है। वहीं दूसरा शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त में 11:49 से 12:37 के बीच है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अभिजीत मुहूर्त कलश स्थापना के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। इस मुहूर्त में हर काम सिद्ध हो जाता है। कैसे करें कलश की स्थापना? माता के कलश की स्थापना मंदिर के उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए और माँ की चौकी लगाकर कलश को स्थापित करना चाहिए। सबसे पहले उस जगह को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें, फिर लकड़ी की चौकी पर लाल रंग से स्वास्तिक बनाकर कलश की स्थापना करें। कलश में आम का पत्ता रखें और इसमें जल या गंगा जल भर दें। साथ में एक सुपारी, कुछ सिक्के, दुर्वा, हल्दी की एक गांठ कलश में डालें। कलश के मुख पर एक नारियल लाल वस्त्र में लपेट कर रखें। चावल यानी अक्षत से अष्ट जल बनाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा रखें। इन्हें लाल या गुलाबी चुनरी उड़ा दें। कलश स्थापना के साथ अखंड दीपक की स्थापना भी की जाती है। तो ये थी दुर्गा पूजा से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर बताइए। साथ ही पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स पर लिखिए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।